चतरा में अफीम तस्करों और माफियाओं के विरुद्ध पुलिस लगातार एक्शन के मूड में है। एसपी राकेश रंजन को मिली गुप्त सूचना के आधार पर स्पेशल टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 पेशेवर तस्करों को अफीम की खेप के साथ साथ पकड़ने में सफलता हासिल की है। गिरफ्तार तस्करों के पास से 2 किलो 830 ग्राम मिला तैयार अफीम और अलग अलग कंपनियों के 3 मोबाइल फोन को भी जब्त किया गया है। उन्होंने बताया है कि अफीम की खरीद बिक्री और तस्करी से जुड़े देवरिया गांव निवासी अमित रंजन उर्फ पप्पू, घंगरी निवासी वीरेंद्र यादव और बेला हिरिंग गांव निवासी नंद किशोर यादव उर्फ नंदू नामक तस्करों की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस अधीक्षक चतरा को गुप्त सूचना मिली थी कि हंटरगंज थाना क्षेत्र के गोड़वाली के पास कुछ व्यक्ति हैं जो अफीम बेचने की फिराक में है। सूचना को सत्यापित करते हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी हंटरगंज एवं थाना प्रभारी हंटरगंज सनोज कुमार चौधरी के नेतृत्व में टीम बनाई गई। टीम गोड़वाली के पास जब छापेमारी की तो 3 व्यक्ति को संदिग्ध पाया। उसमें से अमित रंजन जो हंटरगंज के रहने वाले हैं, वीरेंद्र यादव जोरी के रहने वाले हैं और नंद किशोर यादव जो है हंटरगंज के रहने वाले हैं। जब तलाशी लिया गया तो उनके पास से 2 किलो 830 ग्राम अफीम बरामद किया गया। संबंधित व्यक्ति से जब पूछताछ की गई तो कोई वैध कागजात नहीं दिखाए गए। संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज कर लिया गया। तीनों व्यक्ति को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। इनके पास से 3 मोबाइल भी जब्त किया गया है। बता दें कि तीनों तस्कर अफीम की तस्करी करने जा रहे थे, तभी जोरी हंटरगंज मुख्य मार्ग NH 22 पर स्थित गोड़ा वाले इलाके से पुलिस ने तस्करों को दबोच लिया, जिन्हें पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चतरा से अशोक तुलसियान की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।